देखो पांचवा सवाल जो है, पांचवा जो है, पांचवा क्या लिखा है? देखिए पांचवा सवाल है, एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर। 3.2 का है ना, 3.2 का ये कौन सा है? एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का आठ परिमाप 36 मीटर है। बाघ की बीमार बताओ। मान लिया बाघ की बीमार क्या है? माना बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई, लंबाई कितना है? लंबाई x मीटर है ना। चौड़ाई कितना है? y मीटर है। चौड़ाई y है, y मीटर है ना, y मीटर है। लिखा है प्रश्नानुसार क्या, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार जो लंबाई होगा x बराबर चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको इधर लेके आ जाओ सबको। x माइनस वाई माइनस 4 = 0। समीकरण 1 किसको बनाएंगे? अर्ध परिमाप नहीं, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई है चौड़ाई नहीं। देखो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप 2 से भाग हो जाएगा ना, तो एल प्लस कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अर्ध परिमाप, अब एल का मान कितना है? एक्स प्लस वाई। अब अर्ध परिमाप कितना है? 36। या इसको लिख दो एक्स प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 2 इसमें भी तुलना करके आपको बताना है ना। पहले तो ये बताओ कि संगत असंगत है कि नहीं है, हल निकलेगा नहीं तब उसके बाद हल करना। चलो हल किया जाए इसको। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? a1 upon a2 कितना? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1/a बराबर 1। b1 upon b2 माइनस 1 माइनस 1/(+1) प्लस 1 ना, प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? -1। है देखो जब इधर बराबर 0 की हो तो इधर भी बराबर 0 कर लेना, -36 बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक ही तरह दोनों लिखोगे तभी आएगा समझ में। अभी दोनों बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि a1 upon a2 जेड नॉट इक्वल टू क्या है? b1 upon b2। इसलिए रेखाएं क्या होंगी? परछेदी। क्या हल होगा? 1 संगत होगा और क्या होगा? 1 हल होगा। हाँ यहाँ लिखेंगे रेखाएं परछेदी होंगी, रेखाएं परछेदी होंगी, परछेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, निकाय निकाय संगत होगा, संगत होगा, हल अद्वितीय हल होगा नहीं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा, माने अद्वितीय हल माने दूसरा हल नहीं होगा, खाली एक का हल होगा ना। अब इसको ग्राफ से देखो, इसमें कहा नहीं है किससे हल करना है ना, लेकिन हम लोग ग्राफर भी चला रहे हैं, ग्राफर से हल करेंगे। देखो ग्राफ में कैसे करेंगे? समीकरण 1 से देखो क्या हो जाएगा, ग्राफ से कर रहे हैं ना, ग्राफ विधि से। ग्राफ पेपर आप लोग खरीद लीजिएगा, उसको करिएगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से जब x बराबर 0, x बराबर 0 इसमें रखोगे, -y - 4 = 0 तो -y = 4 y = -4 बिंदु क्या बनेगा? 0 - 4। फिर समीकरण 2 से, समीकरण अच्छा इसी में और रहेगा नहीं, जब y बराबर कितना? 0। जब y बराबर 0 इसमें रखेंगे, x - 4 = 0 है, 0 हो गया ना, x - 4 = 0 x बराबर कितना हो जाएगा? 4। सही में आया? तो बिंदु यहाँ क्या बना? 4 0। बिंदु हो जाएगा 4 0। समीकरण 2 में करेंगे, समीकरण 2 से, 2 से ये 36 बहुत लंबा है नहीं, कुछ बड़ा बड़ा ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं कितना? 18। धीरे धीरे जब x बराबर 18 है, x बराबर 18 या 15 कुछ भी करो, 9 कर दें तो 18 के अंदर आधा आधा जाएगा, लेकिन 9 करा उनका भाई तो मन बात को, 9 कर दी कुछ भी करो आप ना, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस
वाई माइनस 36 बराबर जीरो, तो कितना बचेगा 27, वाई माइनस 27 बराबर जीरो, वाई बराबर कितना हो जाएगा 27, तो बढ़ रहा नहीं, तो यहाँ बिंदु क्या हो जाएगा जीरो और नौ और 27, नौ और 27 हो जाएगा ना। फिर दूसरा बनाएंगे हम लोग, जब क्या वाई बराबर कुछ रखो 18 रखो, तेरी भी आत्मा संतुष्ट हो जाए, वाई बराबर 18 रखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे, तो एक्स प्लस 18 माइनस 36 बराबर जीरो, तो एक्स माइनस 18 36 18 घटाएंगे ना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18, तो देखो यहाँ बिंदु क्या बन गया आपको 18 और 18 नहीं दोनों 18 हाँ ठीक है, ऊपर लिख रहा नहीं। अब देखो ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ में क्या करेंगे, अब इसी का ग्राफ बनाएंगे, बाकी समीकरण बनाते रहेंगे, आप लोग ग्राफ बनाइएगा खुद से ना। तो क्या हो जाएगा, पहला बिंदु क्या है 0-4, सही से बना लो, 1-2 नहीं, कितने कितने का लेक्चर है, 3-3 का, 3-4 6-4, 6-12, 18, 24, 36, 36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-12, 6-24, 6-36, 6-
ये दूसरे को पर लांछन लगाने के बहुत सही है। चार पाँच छः सात आठ ग्यारह माइनस छः माइनस बारह माइनस अठारह माइनस चौबीस माइनस चौबीस मत बोलो माइनस तीस माइनस छत्तीस माइनस बयालीस माइनस माइनस एक देखो नमस्ते फायदा हो जाएगा उन लोग का। आप क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे कितना है बिंदु कितना है जीरो माइनस चार पहले है जीरो माइनस चार जीरो माइनस चार एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है यक्ष का मान जीरो यहाँ पे क्या होता है वाई का मान जीरो ये यक्ष अक्ष है ये वाई अक्ष है पहले जीरो माइनस चार देखो जो चार होगा छह के कहीं आस पास आएगा ना अच्छा जीरो माइनस चार वाई अक्ष पे होगा ना? वो भी छह के आस पास आएगा माइनस छह है एक कहीं आएगा जीरो माइनस चार एक कहीं आएगा छह से कम है ना तो जीरो माइनस चार एक बिंदु ये बना और दूसरा बिंदु कितना है चार जीरो दूसरा चार जीरो भी देखो कहाँ आएगा यही कहीं आएगा चार जीरो यक्ष का मान चार है वाई का मान जीरो तो वाई का मान जीरो कहाँ होता है यक्ष अक्ष पे ना ये हो जाएगा चार जीरो इसको हम लोग मिला देंगे ये ऐसे हो जाएगा समझ में आया एक रेखा ये बनी और दूसरी रेखा नौ सत्ताईस यक्ष का मान नौ नौ देखो कहाँ आएगा इस बीच में आएगा नौ हो जाएगा यक्ष का मान नौ वाई का मान सत्ताईस सत्ताईस कहाँ आएगा यहाँ कहीं आएगा ना बीच में आएगा इसको देखो ये लाइन यहाँ से कहीं गई होगी और ये लाइन इधर से कहीं आई होगी डाटे ऐसे बनाइएगा इसको ग्राफ पे बना रहेगा एक बिंदु ये अर्था मिलेगा नौ और सत्ताईस दूसरा कितना अठारह अठारह है यक्ष का मान अठारह वाई का मान अठारह है देखो ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी यहाँ कहीं जाकर मिलेंगे ऐसे मिल जाएंगे ना ये अठारह अठारह हो गए इनको मिलाते हुए लाइन बना देंगे ऐसे ये दोनों रेखाएं होंगी अब जहां पे काटी है वही उसका क्या होगा हल होगा तो पता नहीं कितने काटी है हमको यहाँ पता नहीं चल रहा है उत्तर कितना आया है अठारह उन्नीस देखो यही क्या हो जाएगा अठारह उन्नीस होगा देखो इसके अठारह और उन्नीस सोलह और बीस तो यक्ष का मान सोलह और वाई का मान कितना आएगा बीस देखिए क्या करेंगे इसको जब आप सही बनाएंगे तो आपका वही कटवा करेगा ना ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सोलह बीस पे काटेगा ही सोलह बीस पे काटेगा ग्राफ पे बनाइएगा आप सब लोग ग्राफ पे बनाइए
बाकी सवालों का हम खाली आपको समीकरण बना दे रहे हैं। 3.2 का छठवां सवाल, 3.2 का छठवां सवाल देखो। तीन दशमलव दो का छठवां सवाल, छठवां लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर कितना है 0 दी गई है। दो चर में कैसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रच्छेदी हो, समांतर हो, संपाती हो। देखो इसको देख करके हमको क्या करना है, एक रैखिक युग्म और बनाना है जो पहले क्या होना चाहिए प्रच्छेदी, फिर क्या होना चाहिए समांतर, फिर क्या होना चाहिए संपाती। तो देखो कैसे बनाओ, तो पहले नियम हम बता दे रहा मन इसको बना लोगे। जैसे मान लो 2x + 3y + 8 = 0 कोई रेखा है ना, अगर इसके प्रच्छेदी रेखा का हमको बनाना है तो अरे हम उदाहरण बता रहे उसको आप लगाइएगा। देखो अगर प्रच्छेदी बनाना, प्रच्छेदी के लिए क्या करेंगे, देखो प्रच्छेदी अगर बनाना है तो a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या कर दो x कर दो, इन्हीं को खाली बदल देना थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे क्या कर दो y कर दो, यहाँ माइनस कुछ कर दो, 8 है ना, 7 वगैरह कुछ कर दो, खाली इनका गुणा। अब जो हम यहाँ पे 5 भी कर सकते थे, कुछ भी कर दो ना, यहाँ 7 कर दो। अब निकालो यहाँ पे a1/a2 का मान कितना होगा 2/7, b1/b2 का मान कितना होगा 3/5, बराबर आया दोनों नहीं, ये क्या होंगे प्रच्छेदी हो गई नहीं, प्रच्छेदी होगी नहीं, कुछ भी बनाओगे आप, चाहे जैसे मान लो आप यही और है और क्या बना सकते नहीं, इसी प्रच्छेदी और बनाओ का क्या कर देंगे, कुछ और प्रच्छेदी बनाओ उसका, 6x कर दो प्लस 5y कर दो माइनस 1 = 0 कर दो, ये भी क्या होगी प्रच्छेदी, क्यों 2/6 / 1/3 आएगा 3/5 बराबर होंगे नहीं, किसी का भी बना सकते हो ना। बताओ सालू तुम बताओ, x - y + 2 = 0 इसका प्रच्छेदी बनाओ, कुछ भी कर दो नहीं, 3x - 5y और इसको ही बदल दीजिए प्लस 7 कुछ भी कर दो ना, तो यहाँ पे निकालोगे a1/a2 का मान कितना 1/3, b1/b2 का मान 1/5 नहीं 1/5 कितना आएगा 5, दोनों बराबर नहीं आएंगे ना, तो प्रच्छेदी बना लेंगे ना किसी का, तो प्रच्छेदी आप बनाइएगा। उसके बाद देखो इसी का हमको वो बनाना है, उसी रेखा का कितना था 2x + 3y + 8 = 0, अब प्रच्छेदी बनाने आ गया सबको नहीं, अब हमको समांतर इसी का बनाना है, तो समांतर में क्या करेंगे, किसी एक संख्या से दोनों इन दोनों गुणा कर देना और इसमें नहीं करना, वो समांतर हो जाएगा अपने आप ना। जैसे मान लो ये है, अब इसमें कितने गुणा कर, हम लोग 5 से कर दें नहीं, तो 5 × 5 = 10x + 5 × 15y इसको कुछ कर दो चाहे जो कर दो, a1/a2 का मान कितना आएगा 2/10 यानी 1/5, b1/b2 का मान 3/15 = 1/5, c1/c2 का मान 8/7 हो जाएगा ना, तो देखो हाई दोनों बराबर है, a1/a2 = b1/b2 = क्या c1/c2, रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी समांतर, और बना सकते हैं आप, और बना सकते हैं नहीं, फिर तू बताओ कोई बनाओ, तो किसी संख्या गुणा कर दो दोनों में, दो से करो 4x + 6y या कुछ और कर दो, कुछ भी कर दो नहीं, +9 = 0 हो जाएगा, इसमें भी निकालेंगे 2/4, 3/6, 1/2 आएगा, लेकिन हम नहीं बराबर होगा, चाहे जितना बना सकते हो ना। अब इसके संपाती बनाना है, इसी के संपाती, संपाती में क्या करेंगे, तीनों गुणा करना पड़ेगा चाहे इसे कर दो, संपाती के लिए इसके संपाती रेखा कौन हो जाएगी, जैसे मान लो ये सब किसी संख्या गुणा कर दो तीनों, 4 से गुणा करो 8x + 4 = 12y 4x = 32 = 0
ये दोनों क्या है संपाती, निकालोगे तो कितना होगा, देखो ए वन अपान ए टू वन निकालो, दो बटे छह, दो बटे आठ, एक बटे चार, बी वन अपान बी टू तीन बटे बारह, एक बटे चार, सी वन अपान सी टू आठ बटे बत्तीस, एक बटे चार, तीनों बराबर आए ना, तो रेखाएं क्या होंगी संपाती। ऐसे हम लोग कितना भी बना सकते हैं ना, भूलेगा नहीं ना सर। चलो ठीक है, परिच्छेदी के लिए क्या करेंगे, परिच्छेदी के लिए ए वन अपान ए टू और बी वन अपान बी टू को बराबर नहीं करना, इनके गुणांकों को हम लोग खाली बदल देंगे थोड़ा बहुत ना, और समांतर के लिए इन दोनों में गुणा करेंगे खाली, और संपाती के लिए तीनों तीनों गुणा करेंगे। ये आ जाएगा आपको सवाल जो यह है, अपने मन से करोगे ना। चलो उसके बाद है सातवां सवाल, सातवां है, सातवां सवाल लिखा है, अपने मन से कर लीजिएगा जाके यार। सातवां सवाल लिखा है, ये दो रेखाएं दी गई x माइनस y प्लस दूसरा 3x + 2y बराबर माइनस 12 बराबर जीरो, बराबर जीरो ना। क्या करना है, का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए, नहीं जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या कर देना छायांकित, माने रंग दे, हां रंग दे, आ रहा है दिवाली नहीं होली आ रहा है। देखो पहले इनका ग्राफ खींचेंगे, शीर्षों के निर्देशांक बताना है ना, शीर्ष के निर्देशांक क्या बनेंगे, तो समीकरण एक में क्या करेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक से जब x बराबर जीरो, जब x बराबर जीरो, x बराबर जीरो का मतलब माइनस वाई प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा जीरो, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन, वाई बराबर कितना हो जाएगा वन, समझ में आया, वाई बराबर वन होगा, बिंदु क्या बनेगा जीरो वन, समझ में आया। फिर जब वाई बराबर जीरो, जब वाई बराबर जीरो, जब इसमें वाई का मान जीरो रखोगे एक्स प्लस वन जीरो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा बिंदु क्या बनेगा माइनस वन जीरो। फिर समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या हो जाएगा, जब x बराबर जीरो, जब x बराबर जीरो तो दो वाई माइनस बारह, दो वाई माइनस बारह बराबर दो वाई माइनस बारह जीरो, दो वाई बराबर कितना हो जाएगा बारह, वाई बराबर छह, बिंदु क्या बनेगा बिंदु जाएगा जीरो और छह। फिर एक और निकाल देते हैं, जब y बराबर जीरो रखेंगे, y बराबर जीरो तो जब इसमें y का मान जीरो रखोगे तो जीरो हो गया, तीन एक्स माइनस बारह तो तीन एक्स माइनस बारह बराबर जीरो, तीन एक्स बराबर बारह तो x बराबर बारह बटे तीन बराबर चार, बिंदु क्या बनेगा चार और जीरो, चार और जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे और जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, कितने कितने का लेक्चर लेंगे, कहाँ तक गया है, एक दो तक गया, चलो एक दो तीन चार करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया मूल बिंदु, पहले कितना लेना जीरो वन, जीरो वन कौन होगा, ये होगा नहीं, यह वाई एक्स पे ना, यहाँ पे वाई का मान, एक्स का मान जीरो होगा, यहाँ पे वाई का मान जीरो होगा, ध्यान रखना। तो जीरो वन हाई वन टू है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहाँ सेवन, सारी उठती नहीं है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस नहीं है क्या, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे लिख देंगे। पहले जीरो वन, x का मान जीरो, y का मान वन, यहाँ पे हो जाएगा जीरो वन, ये हो जाएगा जीरो वन, जीरो वन होगा, फिर माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो कहाँ होगा, माइनस वन x का मान माइनस वन नहीं, आई हो जाएगा माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो, ये क्लियर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा नहीं। और दूसरा क्या है, जीरो छह, जीरो छह, x का मान जीरो, y का मान छह, x का मान जीरो, y का मान छह, ये होगा जीरो छह,
फिर चार जीरो ये हो जाएगा चार जीरो चार जीरो तो ये बिंदु बन जाएगा ऐसे चार जीरो हो जाएगा ठीक है। अब देखो इसके शीर्षों के निशान बताना है ना, इसका ये त्रिभुजवा बनाना जी, इसको क्या कर देना है छायांकित ऐसे ऐसे नहीं छायांकित कर दिया, ये त्रिभुज बनेगा। इसका शीर्ष मान लो हाई बिंदु ए है, हाई बी है, हाई सी है, तो इसमें ए का निर्देशांक कितना बनेगा, ए का निर्देशांक कितना -1 0, ए का निर्देशांक हो जाएगा निर्देशांक बराबर कितना होगा -1 और 0, बी का निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 0 4 और 0, सी का आपको ए देख के बनाना है शायद 2 आएगा अब कितना आया जी 3.5 2 और 3.2 आएगा नहीं उसमें उत्तर में कितना दिया, देखो हमारा ग्राफ सही नहीं बना है ना, ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो अपने आप ऊपर 2 और 3 आया, देखो यही x का मनवा 2 मिला है यहाँ पे, देखो यही कहाँ काट रहा है 2 पे ना, और y का मनवा ये थोड़ा ऊपर कर दिया जाए 3 पे हो जाए नहीं, अब क्या किया जाएगा जब ग्राफ नहीं है तब किया जाएगा, देखो y का मान कितना है 3, y का 3 और x का 2, तो c का निर्देशांक कितना हो जाएगा, c का निर्देशांक हो जाएगा 2 और 3, नहीं तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए और वो छायांकित हो गया ना, बना लीजिए ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला फिर कल कैसे लेट हो जा रहा है ना।